अस्सलामुअलैकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वीवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़नीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है कौरमा, और ये कौरमे की जो सी रेसिपी हम लोग कैसे तैयार करेंगे ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने तीन प्याज काट लिए हैं, ये मैंने ना ऑयल डाल दिया है तलने के लिए। ये ना मैंने गर्म होने रखती हूँ, फिर मैं तलती हूँ। ठीक है, तो मतलब आज जो हम लोग आप लोगों को सिखा रहे हैं वो है, अच्छा ये मैंने गोश्त उबाल लिया था, ज़रा सा नमक डाल के, थोड़ा सा डाला था नमक क्योंकि वो मसाले में नमक है ना, वो मैंने ले लिया था। ये एक कटोरा मतलब गोश्त के अंदाजे से ये दही डलेगी इसमें, तो ये प्याज है, तो लहसुन अदरक। ठीक है, तो व्यूवर्स आप लोगों के साथ आज जो है हम वो कौरमे की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, कौरमा हम बनाना सिखा रहे हैं आपको। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने क्या करना है कि तीन अदद हम लोगों ने प्याज लिए हैं, उनको हम लोगों ने बारीक बारीक काटे हैं। ठीक है, मतलब इनको हम लोगों ने ब्राउन करना है, तो ब्राउन करने के लिए ब्राउन नहीं करना, हल्के में दिखाऊंगी आपको। ठीक है, तो आप लोगों ने देख रहे मतलब कौरमे की जो एग्जैक्ट जो मतलब एक्चुअल में हम लोगों ने इनको क्या कलर देना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे प्याज काट लिए बारीक बारीक, उनको काट लिया है। घी हम लोगों ने गर्म होने के लिए रख दिया, इनको हम ब्राउन कलर करेंगे। और यहाँ पर जो हम लोगों ने गोश्त लिया है इसको हमने नमक डालकर बॉईल कर लिया है, और यहाँ पे गोश्त भी हमारा गल गया है। यहाँ पर हम लोगों ने दही लिया है और एक हम लोगों ने पैकेट लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट है। और अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि मज़ेदार से जो कौरमे की रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। ब्राउन हो रहे हैं और डार्क ब्राउन करने, इतने ज़्यादा नहीं करने कि अगर ज़्यादा करेंगे ना फिर करतल हो जाती है सालन में, तो बस ब्राउन ब्राउन करने हैं। तो फिर उसके बाद ना करेंगे, तो ज़्यादा करेंगे तो कड़वा हो जाएगा सालन, दही भी डालेंगे, बिल्कुल देग की तरह का बनेगा सालन। मतलब देगी कौरमा हम आपको घर में सिखा रहे हैं बनाना, तो आप लोगों ने बहुत आराम आराम से तहमल के साथ ये जो प्याज है ब्राउन करने हैं। ठीक है, और कौरमे की हमारी रेसिपी यहाँ पे आज हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। तो एक बार आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखना कि मज़ेदार से जो कौरमे की रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। हाँ जी, अब थोड़े से ना और हो जाएंगे 5 मिनट तक। ये देखें हमारे प्याज हो गए हैं, अब हमने निचोड़ के ना निकाल रहे हैं। ये देखें अखबार पे, ये टिश्यू पेपर पे आप रख लें। ये देखें व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं किया, बिल्कुल जलाने नहीं, क्योंकि अगर आपने इनको जला लिया ये ब्लैक हो गए तो आपके जो सालन का जायका है वो भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि कौरमे के जो प्याज है वो ब्राउन ही किए जाते हैं, ब्राउन करके ही बनाया जाता है इसको। तो ये देख लें आप, वैसे ये बाज़ार से किए हुए मिल भी जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने आप लोगों के सामने यहाँ पर ईंक के हर कोई वो मतलब नहीं लेता मंगवाता, तो घर में ही किया जाता है। तो आप लोगों ने इसको ठंडा होकर जब ये क्रिस्पी क्रिस्पी से हो जाएगा तो फिर आपने इनको इनके हाथ से मसल के ना, मैं ना बीच में देचकी के डाल के ना फिर इसमें ना लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के ना भूनूंगी, और फिर साथ गोश्त भी भूनूंगी, ये उबला हुआ गोश्त है। ये देखिए हम लोगों, क्योंकि मैंने जल्दी गला लिया था ना, क्योंकि देर लगती है फिर, क्योंकि गोश्त को गलने के लिए देर लगती, फिर दही डालूंगी, फिर वो मसाला डालूंगी बाजार वाला, फिर ये हांडी हमारी तैयार हो जाएगी जल्दी। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि अब हम लोगों इनके ठंडे, ये जो हम लोगों ने प्याज है ठंडे होने का वेट करना है, तो फिर इसको हाथों के साथ हम लोग मसल के हम लोग जो है हमारी वो प्याजों को तोड़ लेंगे और फिर इसको बनाएंगे। तो अब हम लोग वेट करें, गर्म है ना, तो मैं हाथ से नहीं ना अभी तोड़ सकती मसल ना इसे हाथ से। तो ठीक है व्यूअर्स, हम लोग ठंडे होने का वेट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, वीडियो को पूरा देख रहे, मज़ेदार से जो कौरमे की रेसिपी है देगी कौरमा बट इन होम स्टाइल कैसे तैयार हो रहा है। ये देखिए मैंने हाथ से मसल लिया इसे, तो अब मैंने ये देसी में डाल देती हूँ प्याज। ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने डाल दिया, साथ ही मैं दही डाल देती हूँ आपके सामने। अब हम लोगों ने क्या करना है, इन्हें भूनना है। चलो ठीक है, तो दिखाते हैं।
तो व्यूअर्स यहाँ पर हम लोग इसको भून रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो उनसे कौरमे की रेसिपी है उसको स्टार्ट कर दिया। उससे पहले हम लोगों ने जो प्याज हैं उनको हमने ब्राउन किया है, और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इनको काला नहीं किया, डार्क हम लोगों ने कलर दिया है। दही हम लोगों ने शामिल की, उसके बाद इसके अंदर हम लोगों ने जो कुकिंग ऑयल है वो शामिल कर दी यहाँ पकने के लिए, यानी कि जो हम लोग पहले इसका मसाला तैयार कर रहे हैं। गोश्त को हम लोगों ने बॉयल कर लिया, नमक डालकर हम लोगों ने इसको बॉयल किया। अब हम लोगों ने दही, लहसुन अदरक का पेस्ट और जो प्याज हम लोगों ने क्रिस्पी क्रिस्पी से आप लोगों के सामने फ्राई किए थे उसको ऐड किया है, और यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं। तो देखते हैं कि मज़ेदार से कौरमे की रेसिपी हमारी कैसी तैयार होगी। हाँ जी, ये देखें, अब मैंने गोश्त भी डाल दिया जो उबला हुआ था, अब इसे मैं डाल के ना भूनती हूँ। दो तीन मिनट भूनते हैं फिर मसाला डालते हैं। ये देखिए मैंने मसाला डाला, तो ये कौरमे मसाले का हम लोगों ने एक पैकेट लिया है, उसको हम लोगों ने शामिल कर दिया। तो अब हम लोग इस मसाले को डालने के बाद, इसके अलावा हम लोगों ने एक्स्ट्रा स्पाइस नहीं शामिल करना। नहीं नहीं, यही बहुत है। ठीक है, तो मतलब अगर आप लोग चाहते हैं व्यूअर्स वगैरह, मतलब अगर हाँ, तो दो पैकेट डाल लें फिर वो अपने हिसाब से, ठीक है, ज़्यादा मिकदार ज़्यादा कर लें। तो हम कुछ तरह से हिलाते हैं, तो कितना ये फाइनल हो गया है। हाँ जी, नहीं इसमें ना अब मैं थोड़ा सा जो इसका यखनी का पानी है ना वो डाल के रखूंगी, बस पक गया, बस थोड़ा दो मिनट भूनती हैं इसे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत उम्दा खुशबू आ रही है। का होता है ना वैसा देगी कौरमा, आप लोग घर के स्टाइल में घर में बनाना सीख रहे हैं। तो मेरे कहते हैं कि आपको जो सी हमारी आज की रेसिपी है ये पसंद आएगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह लुक भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आ रहा है, और के साथ साथ जो उसकी खुशबू है उसका तो क्या ही कहना, बहुत ही। ये देखेंगे भी इसने छोड़ दिया, अब दो तीन मिनट हमने भून लिया इसे। ये देखें इसमें इलायचियाँ भी हैं, हर चीज़ है इसमें वाले मसाले में। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर जो है यखनी का पानी वो ऐड करेंगे, इसे नान के साथ खाएं वो मज़ा आएगा। और यहाँ पे हमारा कौरमा तैयार हो गया, तो ये देखें कि छोड़ दिया इसने। हाँ जी, बस तैयार हो गया, बस थोड़ा सा डाल दें। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यखनी का पानी डाल दिया, तो अब हमारी ये जो रेसिपी बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। इसको थोड़ी देर पकाते हैं और आपको दिखाते हैं रिशॉर्ट करके। देखें बिस्मिल्लाह, कितना प्यारा प्यारा रंग है इसका। ये ले जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जो हमारा कौरमा है बिल्कुल तैयार हो गया है, ये इसका फाइनल लुक है। तो उसको रिशोर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो हमारा कौरमा है वो तैयार हो गया है। वो झटपट बातें करते करते हम लोगों ने इसको बना लिया है, और बहुत आसान सा है कि जो सी कौरमे की रेसिपी है। सबको कौरमा बनाना नहीं आता, कुछ बहुत अजीब तरीके से कौरमा बनाते हैं, हर किसी को नहीं आता, मतलब क्या है उसको कौरमा देते, लेकिन वो कौरमा नहीं, कौरमे के नाम का धब्बा होता है। तो हम लोगों ने आपको जो उसका ऑथेंटिक वे है, जो सही तरीका है जिसमें बनाया जाता है, प्याज ब्राउन करके बनता है, तरीका तो यही है। ये मतलब कुछ लोग मतलब बहुत ज्यादा प्याज जो है वो जला देते हैं, खराब कर देते हैं, अब इसमें सही नहीं होता नहीं। तो मतलब उसका रंग भी बहुत काला सा होता है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह इसका रंग बिल्कुल काला सा नहीं है, कोई काला कुला रंग नहीं है इसका, बिल्कुल अच्छा सा इसका रंग है, और जो घी है वो भी आ गया है। तो हम लोग इसकी फाइनल लुक आप लोगों को दिखा दिए, कि उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की हमारी कौरमे की रेसिपी है वो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को कभी सब्सक्राइब करना मत भूलें, के साथ साथ हमारे जो से चैनल के बेल आइकन पे भी क्लिक कर, ताकि आपको मजीद इस तरह की जो सी अच्छी अच्छी रेसिपीज हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें, और आप इतनी रेसिपीज़ को बिल्कुल आसानी से और आसान तरीके से और घर के मसालों से सीख सकें। तो आज हम लोगों ने आप लोगों के साथ कौरमे की रेसिपी को शेयर किया है। तो वीवर, जब आप लोगों से इजाज़त है, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होता, तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।